Welcome to Hungry Spoon. Subscribe to our channel for new recipes and click the bell icon for notification and don't miss a single update. Hello everyone, welcome to Hungry Spoon channel. कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और खुश होंगे. आज की हमारी रेसिपी कौन सा मौसम है, त्योहारों का मौसम हो या फिर मेहमानों का आने का मौका हो, आप इस रेसिपी से सभी के दिलों पर राज करेंगे. जी हाँ, समोसा किसे नहीं पसंद है. तीखे चटपटे मसाले वाले आलू मटर की स्टफिंग आज भी दिलों पर राज करता है. आज हम सभी अपने हाथों से वही जायके वाला, जो न जाने कितने जमाने से लोगों की पसंद बना हुआ है, उसी जायके को नए अंदाज में बनाएंगे. तो आइए इसे बनाना फटाफट स्टार्ट करते हैं. लेकिन स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट्स मिलती रहे. कौन भाजी बनाने के लिए, कौन भाजी कह लीजिए या कौन वाला समोसा कह लीजिए, उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका कौन तैयार करना है और कौन तैयार करने के लिए हमें उसका डो तैयार करना है. और डो तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे मैदा लिया है 2 कटोरी. इसके साथ 2 बड़े चम्मच हमने ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल. आप चाहें इसकी जगह पे मोयन के लिए हमें इस्तेमाल करना है. आप चाहें तेल की जगह बटर भी ले सकते हैं और देसी घी भी ले सकते हैं. और इसमें 1 चम्मच नमक जाएगा. इसके अलावा 1/2 चम्मच हमने इसमें अजवाइन लिया है और 1/4 स्पून हमने इसमें कलौंजी लिया है. इसका फ्लेवर काफी अच्छा आता है. आप समोसा या मटरी बना रहे हो तो उसमें आप ये जरूर डालें, अजवाइन और कलौंजी. एक परात में हमें मैदा ले लेना है. और कौन बनाने के लिए, इस तरह से मार्केट में बना बनाया कौन आता है, इस तरह से स्टील का, या फिर आप इस तरह से एल्युमिनियम का कौन बना हुआ मिलता है, आप ऑनलाइन इसको परचेज कर लें या फिर आप मार्केट से आप इस तरह से कौन ले लें. और हमें कौन बनाने के लिए इसकी जरूरत है तो इस तरह से ये कौन ले लेंगे. अब हमें इसका डो तैयार करना है. डो के लिए हमने ये मैदा ले लिया है परात में और इसमें हमें ऑयल डाल देना है. इसके साथ हमें नमक डाल देना है और इसमें हमें ये कलौंजी डाल देना है. अजवाइन थोड़ा सा हाथ से हमें क्रश कर लेना है ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आए. और इन्हें हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से. समोसा बना रहे हो या फिर आप मटरी बना रहे हो, उसका खस्तापना ही उस रेसिपी के जायके को बढ़ाता है. तो कभी भी आप समोसा बना रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखें, उसमें जो भी मोयन डाल रहे हैं उसकी मात्रा सही होनी चाहिए. बच्चों के लिए इस तरह से अलग अलग रेसिपी बना के टिफिन में भी दे सकते हैं या फिर बच्चे घर पे हैं. आजकल बाहर का चीजें हम लोग काफी अवॉइड कर रहे हैं, नहीं खाना है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है. तो घर पे ही कुछ अलग हटके बच्चों के लिए बना के दें. बच्चों ये बड़ों के लिए चाय से, आप सुबह शाम के चाय के साथ भी ले सकते हैं. इस तरह से ये मैदे में हमारा नमक, अजवाइन, कलौंजी और मोयन के लिए जो हमने तेल डाला था वो मिक्स हो गया है. एक बार इस तरह से मुट्ठी से बांध करके देख लेंगे. अगर इस तरह से मुट्ठी से बांधने में ये बंध जा रहा है तो इसका मतलब आपका मोयन सही पड़ा है. अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल करके एक कड़ा हमें इसका डो तैयार करना है. बहुत ज़्यादा इसका टाइट डो नहीं तैयार करेंगे, जिस तरह से पूड़ी का हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से इसको गूंथ लेंगे. पानी आप थोड़ा थोड़ा डालें, पानी एकदम से डालेंगे ज़्यादा मात्रा में तो आपका ये मैदा जो है वो गीला हो जाएगा. सबसे पहले हम इस रेसिपी में कौन बना के रखेंगे, फिर इसके बाद इसके अंदर का भरने वाला आलू तैयार करेंगे. इस तरह से हाथों को थोड़ा सा प्रेस करते हुए आटे पे इसको मुलायम करना है. थोड़ा सा पानी अब हमें नहीं डालना है, इसका ध्यान रखना है. जितना अच्छा इसका आटा आपका गूंधेगा उतना ही खस्ता आपका बनेगा समोसा. दो से तीन मिनट हमें अच्छे से इसको गूंध लेना है. अब पानी हमें नहीं डालना है. इतने मैदे को हमें गूंधने के लिए 2 कटोरी हमने यहाँ पे मैदा लिया था और गूंधने के लिए हमें मुश्किल से छोटे वाले कप से 1/2 कप पानी लगा है. और चम्मच स्पून से नापे तो 4 स्पून इसमें पानी लगा है. इस तरह से ये हमारा डो तैयार हो गया है. ये देखिए,
बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा मुलायम भी नहीं है। आटा हमारा अच्छे से गूंद गया है। अब हमें चकला बेलन ले लेना है और एक छोटी छोटी लोई हमें इस तरह से ले लेनी है, और एक छोटी रोटी जिस तरह से एक छोटी पूरी तैयार होती है उस तरह से हमें इसको बेल लेना है। लेकिन बेलने से पहले जो कोन में हम ये लगाकर तलेंगे, सबसे पहले उस कोन को हमें थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है ताकि आसानी से निकल जाइए। थोड़ा सा इसमें हमें ऑयल लगा लेना है। त्योहार पे या किसी भी मौके पे अगर आप ये रेसिपी बना रहे हैं तो आप चाहें इसको 2 से 4 दिन पहले या उससे भी ज्यादा दिन पहले आप बनाकर इस तरह से कोन रख सकते हैं। एयरटाइट कंटेनर में रख लें ताकि इसका खस्ता बना ना जाए। और जब भी आपको ये रेसिपी खानी हो या किसी को देनी हो, आप आलू तैयार कर लीजिए और उसमें भर लीजिए, तो इस तरह से ये रेसिपी फटाफट भी तैयार हो जाएगी। हमने सारे कोन में ऑयल लगा दिया है। अब हमें इस तरह से बेल लेना है। बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखना है और बहुत ज्यादा पतला नहीं रखना है। इसकी थिकनेस देखिए इतना हमने रखा है। बहुत ज्यादा ये पतला नहीं है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं है। इस तरह से अब हमें इसको बीच से काट लेना है, और बीच से काटने के बाद हमें इस तरह से एक कोन ले लेना है, और कोन लेके हमें इस तरह से जैसे भी आपको आसानी हो इस तरह से आप ले लेंगे, और इन्हें कोन पे हमें इस तरह से रोल करते जाना है ताकि हमारा कोन चारों तरफ से कवर हो जाए। और नीचे का जो ये खुला है इसको थोड़ा सा हाथ से दबा लेंगे, थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेंगे ताकि ये कहीं खुले ना, इसलिए इसमें थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। आप चाहें तो इनके किनारों पे हल्का सा पानी लगा लें ताकि ये खुले ना हमारा तलने में। इस तरह से अपने हाथों से इसको बराबर कर लेना है। थोड़ा सा प्रेस करेंगे, कहीं छोटा बड़ा रह गया है तो ये बराबर में आ जाएगा। इस तरह से ये कोन हमारा तैयार है। अब ये डीप फ्राई करने के लिए तैयार है। अब इसी तरह से बाकी के सारे कोन हम तैयार कर लेंगे। सारे कोन हमने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब इनको हमें डीप फ्राई करना है। तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं इसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे। एक वुडन स्टिक डाल करके देख लेंगे, इसके आसपास अगर बबल बन रहे हैं तो आपका तेल सही है, गर्म है, आप इसमें डीप फ्राई कर सकते हैं। तो ये हमारे वुडन स्टिक के पास बबल बन रहा है, या फिर आप इसी का एक टुकड़ा डाल करके देखें, अगर उसमें बबल आ रहे हैं तो आपका तेल काफी सही गर्म हो गया है। अब गैस का फ्लेम हमें मीडियम कर देना है। हाई फ्लेम पे हमने इसको तेल को गर्म किया है। अब गैस का फ्लेम हमें मीडियम कर लेना है और इसे हमें इस तरह से इसमें डाल देना है। लाइट गोल्डन कलर का हमें करना है। थोड़ा थोड़ा बीच में हमें इसको थोड़ा सा टर्न कर लेना है ताकि चारों तरफ से बराबर में हमारे ये कलर आए इसमें कोन में। इस तरह से घुमा लेना है थोड़ा सा बीच बीच में। 4 से 5 मिनट में दोनों साइड में एक लाइट गोल्डन कलर आएगा, फिर इसे हमें निकालना है। 4 से 5 मिनट में इसमें काफी अच्छा कलर आ गया है, ये लाइट गोल्डन कलर आ गया है। अब इसे हमें निकाल लेना है बहुत ही आराम से, क्योंकि इस कोन में तेल भर जाता है, इस चीज का ध्यान रखना है हमें। और ये कलर हमें रखना है, मीडियम फ्लेम पे तलना है, और बाकी के सारे कोन इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। और ठंडे होने के बाद बहुत ही आराम से ये हमारा कोन जो अंदर का है वो बहुत ही आराम से निकल जाता है। तो इन्हें हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है और बाकी के सारे कोन हम तल लेते हैं। ये देखिए काफी आराम से ये कोन हमारा, आप कोई भी एक कपड़ा ले लें, साफ कपड़ा ले लें या टिश्यू पेपर ले लें, आप उसे पकड़ लें दूसरे साइड में। अगर आपको गर्म निकालना है तो इस तरह से आप थोड़ा सा घुमाएंगे आप, और ये देखिए बहुत ही आराम से ये हमारा इस तरह से कोन निकल जाएगा। एक एक करके इस तरह से सारे कोन हमें निकाल लेने हैं। ये देखिए बहुत ही आराम से ये निकल गया है।
इस तरह से ये कोन हमारा तैयार हो गया है। अब इसके अंदर का भरने के लिए आलू को हमें तैयार करना है, तो आइए हमें आलू तैयार कर लेते हैं। कौन समोसा की स्टफिंग के लिए हमें एक पैन ले लेना है, और पैन में हमें 2 चम्मच हमने यहाँ पे तेल लिया है, और तेल हमारा जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हमें 3 लाल मिर्च लिया है, सूखी लाल मिर्च है, इसका फ्लेवर काफी अच्छा आता है इसमें, इसको तोड़ लेंगे। और इसमें 1/4 स्पून हमने जीरा लिया है, 1/4 स्पून हमने इसमें खड़ी धनिया लिया है वो इसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा इनको चटकने देंगे ताकि इसका फ्लेवर इसमें आ जाए। और इनके साथ हमने यहाँ पे मीडियम साइज का एक प्याज महीन काट लिया है, ये डाल देंगे। और इसमें हमने 3 हरी मिर्च लिया है, 3 हरी मिर्च इसमें डाल देंगे, इसको भी हमने महीन काट लिया है। और इसमें एक लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा जब तक हमें भूनना है इसको, और गैस का फ्लेम हमारा हाई रहेगा, हाई फ्लेम पे हमें इन्हें इसकी स्टफिंग को तैयार करना है। और यहाँ पे हमने 3 से 4 आलू लिए हैं उबले हुए, वो इसमें जाएंगे। और इसमें लाइट एक कलर आ गया है गोल्डन कलर प्याज में हमारे। अब इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अगर आप अदरक लहसुन नहीं खाते हैं या नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, अगर आप चाहें तो इसको महीन कटा हुआ भी अदरक लहसुन डाल सकते हैं। और इनके साथ हमने यहाँ पे फ्रोजन हरी मटर लिया है, अगर सीजन में हरी मटर आ रही है तो आप वो ले लें। इन्हें हमें 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। अब इसमें हमें ये आलू जो हमने लिया है वो आलू डाल देंगे, तो आलू को अच्छे से हमें मैश कर लेना है। आप चाहे मैशर से इस तरह से मैश कर लें, या फिर अलग बटन में आप किसी भी कटोरी से इसको मसल लें इसको। अब इसमें 1/4 स्पून इसमें हमें हींग डालना है, और हींग के साथ इसमें हमें 1 चम्मच हमने यहाँ पे नमक लिया है, 1/2 चम्मच हमने धनिया लिया पाउडर लिया है, 1/4 स्पून इसमें हल्दी जाएगा, इसके साथ पिसी हुई खटाई जाएगी इसमें, 1 चम्मच हमने पिसी हुई खटाई लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह नींबू भी ले सकते हैं, 1/2 नींबू का रस इसमें डाल सकते हैं। और इसमें चाट मसाला जाएगा, 1 चम्मच चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, मिर्च का आप जितना भी टेस्ट पसंद करते हो उसके हिसाब से इसमें डालें। इसमें गन पाउडर जाएगा, गन पाउडर की वीडियो हमने पिछले वीडियो में डाला है, इसकी लिंक डाल दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देख लें। और ये 1 चम्मच जाएगा, और इन्हें हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है मसालों के साथ। 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसकी भुनाई कर लेनी है ताकि सारा फ्लेवर हमारे आलू में मटर में आ जाए। आप गन पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो आप उसकी जगह मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, और जीरा पाउडर भी आप भुना हुआ डाल सकते हैं, इससे इसका फ्लेवर काफी अच्छा आएगा। क्योंकि आलू जब हमारे चटपटे मजेदार होंगे तभी खाने में हमें समोसा मजा आता है। बाहर का आप देखे होंगे, बाहर का जो समोसा होता है उसका आलू काफी चटपटा मजेदार होता है, तो इसको भी हम इसी तरह से इसको चख लेंगे। और मिर्च और नमक की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से आप रखें इसमें। 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे। अब इसमें हमें हरी धनिया डाल देना है, और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और ये हमारा आलू हमारे कोन वाले समोसे में भरने के लिए तैयार हो गया है। इस गैस का फ्लेम बंद करने के बाद एक बार आप जरूर इसका नमक और मिर्च देख लें। कोन भी हमारे तैयार है और आलू भी हमारा स्टफिंग के लिए तैयार हो गया है, और काफी चटपटा और मजेदार आलू हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हमें स्पून में भर लेना है, और स्पून में भरने के लिए हमें इस तरह से स्पून से पहले थोड़ा डालना है, ताकि हमें इसको थोड़ा सा नीचे से इसके नीचे प्रेस करेंगे ताकि आलू नीचे तक हमारा जाए। इसमें आलू मजे का होगा तभी खाने में मजा आएगा। इस तरह से ये कोन हमारा तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर आप चाहें तो इस तरह से आप सेव रख सकते हैं, या कोई भी नमकीन आप रख सकते हैं, या फिर आप चीज भी रख सकते हैं, चीज आपको पसंद है तो चीज भी रख सकते हैं। इस तरह से ये हमारा कोन तैयार हो जाएगा। देखिए लग रहा है ना काफी मजेदार ये रेसिपी।
आप इसी तरह से ये कोन तैयार करके रख लें एयर टाइट कंटेनर में, और जब चाहे आप आपके मेहमान आए आप फटाफट इनको इस तरह से आलू स्टफिंग बना लें और तैयार करके दें। आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे कि फटाफट इस तरह से आपको गर्मा गर्म समोसे खाने को मिले। और इस तरह से इस पे भी लगा लेंगे हमें, और इस तरह से हमें सारे कोन तैयार कर लेने हैं। समोसा हमारा तैयार है, ये बहुत ही टेस्टी बने हैं, इनकी खुशबू आपके को खाने से रोक नहीं सकती है। तो आप भी फटाफट जाएं और इस रेसिपी को जरूर बनाएं। इनके कोन को आप 5 से 10 दिन आराम से बनाकर एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, और आपका जब दिल करे समोसा खाने का या फिर अचानक आए मेहमानों को खिलाने का, बस इसकी स्टफिंग तैयार करें और सर्व करें। आप सभी को हमारी रेसिपी कैसी लगी अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें ज़रूर दें, और कोई सुझाव हो या फिर कोई रेसिपी मुझसे जाननी हो आप हमें ज़रूर लिखें, और इसी तरह से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा हंगरी स्पून चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, साथ में मेरी प्यारी प्यारी बेटियों का बहुत बहुत ख्याल रखें, उन्हें बहुत बहुत प्यार दें। थैंक यू। Thanks for watching. Stay tuned with Hungry Spoon.